अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए आपके डिमांड पे नॉन ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हाजिर खिदमत हूं। ये सेक्शन बी है यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोगों ने इस सेट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं और आज की इस क्लास में आज से हम लोग सेट वन से जो है हम लोग सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाली हैं। अगर आप लोगों का डिमांड आता है कि और भी बाकी सेट्स के जो है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आना चाहिए, और ये वीडियो को अगर आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वॉच करते हैं, तो बहुत जल्द बाकी के सेट जो है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि इस क्लास को, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करना है और पूरा पूरा जो है आप लोगों को फुल्ली वॉच करना है, ठीक है, तभी जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल पाएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, हर बार जो मैं 5 सेट सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें से 100% चांस रहता है कि उसी से ही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है टकराएगा। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है या फिर लेना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट आज ही मेरे नंबर पर राबता करें। नंबर है 9508214760, मैं लिख दे रहा हूँ 9508214760। इस नंबर पर राबता करके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइनली हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रहता है आप लोगों का, दरअसल उनवानात में से किसी एक उनवान पर जो है मजमून लिखिए। कौमी एकजहती, इकबाल, ताजमहल, हमारे उस्ताद, मौसम गर्मा और इल्म, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन रहता है, ये 8 नंबर का मजमून रहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन रहता है, मुंदरजा ज़ैल अशआर में से किसी दो की तशरीह कीजिए। ये जो है 4 नंबर का रहता है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 4 रहता है, 4 में से 2 का बनाना पड़ता है और 2-2 नंबर करके आप लोगों को मिलता है इसमें, ठीक है। 8 और 4 12 नंबर हो गया, क्लियर। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आगे की जो है 3 नंबर क्वेश्चन पे कि मुंदरजा ज़ैल इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के हवाले से कीजिए। इसमें आपको 4 नंबर मिलता है, 8 4 12 12 और 4, टोटल कितना हो गया 16 है। या फिर उसको बनाएंगे या फिर ऑप्शन में आपका रहता है ये वाला, ठीक है, या फिर इसको बनाएं आप लोग। उसके बाद 5 नंबर का आपको दरख्वास्त रहता है, अपने बड़े भाई को एक खत लिखिए जिसमें अपने तालीमी मुस्तकबिल के बारे में मशवरा कीजिए। 5 नंबर का रहता है, 16 और 5 आपका टोटल हो गया 21 नंबर। उसके बाद जो है यहाँ पे एक 10 यहाँ पे देखिए, दरअसल 5 नंबर क्वेश्चन में दरअसल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। यहाँ पे आपको टोटल नंबर कितना मिल रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेगा बट आप लोगों को 5 बनाना रहेगा, ठीक है, यानी 2 नंबर करके, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपको 10 नंबर का मिल रहा है। टोटल कितना हो गया 21 और 10 आपका 31 नंबर, ठीक है, क्लियर होते जा रहा है आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर पे रहता है, कितना 5 नंबर हो गया ना, हाँ। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे रहता है आप लोगों को, मुंदरजा ज़ैल में से किसी 3 सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है, ये आपका 5 नंबर करके रहता है, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ये 6 क्वेश्चन रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 6 रहता है, 6 में से आपको 3 बनाना रहता है, यानी 15 नंबर आपका यहां से मिल गया। 31 और 15 देखें तो 46 नंबर टोटल हो गया। उसके बाद लास्ट में आपका रहता है 4 नंबर का क्वेश्चन, या देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे रहता है, दरअसल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। तलखीस अगर आप पेश करते हैं काफी आसान रहता है, मैं भी आप लोगों को अभी बताऊंगा आगे, तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। ये 4 नंबर का तलखीस रहता है, कितना हो गया 46 और 4, टोटल आपका 50 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इतना ज्यादा ऑप्शनल में आपका दिया हुआ है, तलखीस अगर आप नहीं बना पाएंगे या फिर यहां तीनों में से किसी में अगर एक याद रहता है तो आप लोग इसको भी बना सकते हैं। जैसे देख पाओगे, दरअसल में से किसी एक उनवान का खुलासा लिखिए, कामिल इंकलाब का मरकजी ख्याल, नज्म खेती का खुलासा, भोले बिस्तर गीत, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है, इसलिए मैं देखूंगा अगर आप लोग पूरा पूरा वॉच करते हैं, क्योंकि देखता हूं मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो बहुत ज्यादा डिमांड आता है, बट आप लोग वीडियो को देखते नहीं है, इतना लंबा वीडियो रहता है, लेकिन देखता कितना है मालूम है, 4 से 5 मिनट का एवरेज व्यूज आता है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा पूरा फुल वीडियो देखेंगे तभी जो है, यूट्यूब वाला का रूल्स है कि आगे स्टूडेंट को ऐसे ही पहुंचाएगा जब तक नहीं आप पूरा फुल वीडियो को देखेंगे, ठीक है। आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मजमून का तो वीडियो अलग से बना रखा है, अगर आपका कोई डिमांड है मजमून पर तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा मजमून पर नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देख पा रहे होंगे मुंदरजा ज़ैल अशआर में से किसी 2 की तशरीह कीजिए। देखेंगे हम लोग अशआर क्या पूछ रखा, बता रखा है कि अब क्या बताएं, क्या था ख्यालों के शहर में
बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक ट्रिक वाली वीडियो बना रखा, आप लोगों के लिए बना रखा है, आप जाइए सर्च कीजिए तशरी की तशरी ट्रिक, ठीक है, फॉर क्लास ट्वेल्थ, उर्दू तशरी ट्रिक फॉर क्लास ट्वेल्थ, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा वेट करें, मैं तशरी का ट्रिक वाला जो है पीडीएफ थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए गौर से देखेंगे हम लोग क्या करना पड़ता है हम लोग को तशरी में। मुंदरजा ज़ैल, मुंदरजा बाला शेर, ठीक है, मुंदरजा बाला शेर उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर जनाब, ये आप खुद से एक बार याद कर लेंगे ना, जैसे जैसे मैं आपको फिट करने बोलूंगा वैसे वैसे आप लोग फिट कर देंगे। यहाँ पे खाली जगह मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, बट मुझे मालूम है तो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ यगाना चंगेजी, ठीक है, खाली जगह में मैंने यगाना चंगेजी लिख लिया है। तो देखेंगे दोबारा, मुंदरजा बाला शेर उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर जनाब यगाना चंगेजी के शामिल हिसाब गज़ल से ली गई हैं। इस शेर में शायर ने मौसर ख्यालात व एहसासात का ऐसा निचोड़ पेश किया है कि दिल महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। चुनान जो शायर लिखता है, आप लोग जो है जो दो शेर देता है वो शेर यहाँ पे उतार देना है। उसके बाद इस शेर में कहना क्या था, अगर आपको नॉलेज है तो लिख देना, नहीं थे। इस शेर में शायर ने तारीख वाक्य की तरफ इशारा किया है, यानी शीरी व फरहत की इश्क मोहब्बत के वाक्य की वाक्य को जो बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ट्रिक वाला वीडियो आप लोग एक बार जरूर देखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करना रहता है, ठीक है। चलिए अब फाइनली हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। चलिए शेर को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा तर्ज के साथ, कि अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, अब क्या बताऊं क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। अब किस तरह बनाना रहता है हम लोगों को ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों को सबसे पहले बता देना है ट्रिक के माध्यम से कि मुंदरजा बाला शेर, इसके मुसन्निफ़ इनके राइटर खलीलुर रहमान अज़मी हैं। ज़ेर निसाब पहली गज़ल से, यानी आपको बताना है ज़ेर निसाब खलीलुर रहमान अज़मी के पहली गज़ल से लिया गया है, और यह गज़ल का मक्ता है। मक्ता किस शेर को कहते हैं, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको ये खलीलुर रहमान अज़मी के ज़ेर निसाब पहली गज़ल से लिया गया है और यह गज़ल का मक्ता है, ठीक है। अब वो लास्ट में बता देना है कि थोड़ा सा वेट करेंगे, अजान हो रही है। चलिए इस शेर को हम लोग दोबारा से, जिस तरह मैं आप लोगों को ट्रिक बताया उसी तरह हम लोग दोबारा से देखते हैं इसको, ठीक है। तो आपको बताना है कि मुंदरजा बाला शेर उर्दू के मशहूर व मारूफ जनाब खलीलुर रहमान अज़मी के ज़ेर निसाब पहली गज़ल से माखूज है, यानी पहली गज़ल से लिया गया है। उसके बाद आप लोगों को बता देना है कि इस लिख देना है आप लोगों को कि चुनांचे शायर लिखता है, अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। इस शेर के ज़रिए जो है शायर ने कल्बी व अंदरूनी वाक्यात के साथ अपनी ज़ाती जज्बात व एहसासात को शामिल कर दिया है, ठीक है। कल्बी यानी अंदर, कल्ब का मतलब होता है दिल, यानी अपने दिल की जज्बात को जो है बहुत ही क्या किया है, अपने दिल के जज्बात को जो है अंदरूनी वाक्यात के साथ अपनी ज़ाती जज्बात एहसासात को भी शामिल कर दिया है। और इस शेर में बताना है कि और इस शेर में दर्द और ठेस की जो है शिद्दत हद से ज़्यादा दिखाई देती है, दर्द काफ़ी जो है रंज तकलीफ दर्द दिखाई देती है इस शेर में, ठीक है। चलिए फाइनली इसका तशरीह हो गया कम्प्लीट, अब अगला शेर देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर पर। क्या बताना है दूसरा नंबर पर, कि गालिब वजीफ़ा ख्वार हों दो शाह को दुआ, शाह का मतलब होता है बादशाह। मैं थोड़ा तर्ज के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देखें कैसा होता है। कि गालिब वजीफ़ा ख्वार हों दो शाह को दुआ, गालिब वजीफ़ा ख्वार हों दो शाह को दुआ, वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं, वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। चलिए इस शेर अब कैसे तशरीह करना है, इस शेर का बताना है कि मुंदरजा बाला शेर उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर जनाब गालिब, मशहूर व मारूफ जनाब जो है गालिब के ज़ेर निसाब पहली गज़ल से माखूज़ है, और ये भी जो है गज़ल का मक्ता है। ये भी क्या है, गज़ल का मक्ता है, नहीं गज़ल का आखिरी शेर है, ठीक है।
पहली गजल का आखिरी शेर है, यानी मक्ते का शेर है। और इस शेर में कहना चाहता है, देखेंगे थोड़ा सा क्या कह रहा है, कि गालिब वजीफा खार हूँ दो शाह को दुआ, यानी मैं बादशाह का वजीफा खार हूँ, बादशाह का नमक खाया हूँ, इसलिए जो है बादशाह को मैं दुआ देता हूँ। वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। फिर बाद में कहते हैं कि मैं तो बादशाह के यहाँ रहता था, काम करता था, लेकिन मैं ये भी कहता था कि वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। तो अब लास्ट में आप लोगों को ये बताना होगा कि शायर ये भी कहना चाहते हैं दुआ देते हुए, दुआया ये, एक तो सबसे पहले दुआया शेर है जिसमें गालिब ने दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है दुआ दिया है, जिसका पसे मंजर यह है कि शायर को जब मुगलिया दरबार में रसाई हो गई, यानी इसकी जॉब लग गई थी, तब ये क्या कर रहे थे, इसको दुआ दे रहे थे, लेकिन ये इस बात पर भी एतराफ़ करते थे कि मैं यहाँ पे बादशाह के यहाँ काम करता हूँ बट नौकर नहीं हूँ। और इस सूरत में जो ये शेर शायर के ऊपर खुद अपने आप में एक तंज है, यानी एक अपने आप में क्या है, मजाक बन गया है, ठीक है, अपने आप पर क्या बन गया है, ये एक मजाक बन गया है। तो इस तरह आप लोगों को बता देना होगा। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, और तीसरा पे कैसे बनाना है ध्यान से देखेंगे। यारों ने खूब पढ़ के जमाने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग के यहां भी बिछड़ गया, ठीक है, मैं ऐसा बददिमाग के यहां भी बिछड़ गया, कैसे इसका तशरीह करेंगे ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कहां गया पेज ऊपर ही है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। ओहो कहाँ गया, ऑब्जेक्टिव पे आ गया क्या, चलिए सब्जेक्टिव पे दोबारा हम आते हैं। और चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि यारों ने खूब पढ़ के जमाने से सुलह की, थोड़ा सा अभी फ्रेश होने में टाइम लगेगा, हाँ देखेंगे, यारों ने खूब पढ़ के जमाने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग के यहाँ भी बिछड़ गया, ठीक है। अब इसका तशरीह कैसे करेंगे, तो तशरीह इस तरह करेंगे, पेश नज़र शेर मिर्ज़ा गालिब के ज़ेर निसाब, पहली गज़ल से माखूज़ है, यानी पहली गज़ल से लिया गया है, सॉरी मिर्ज़ा गालिब का नहीं, ये यारों ने खूब, ये दूसरा का है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मुंदरजा वाला शेर जो है उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर जनाब खलीलुर रहमान अज़मी के ज़ेर निसाब पहली गजल का चौथा शेर है, पहली गजल का ये शेर जो है चौथा शेर है, और इस शेर के जरिए क्या कहना चाहता है उसको भी हम लोग थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, ठीक है। इस शेर में यह जो है अपने गम अफसुर्दगी का इजहार किया, इस शेर में ये क्या कहना, इस शेर में शायर ने जिंदगी के गम और अफसुर्दगी का, जिंदगी के गम और जो अफसोस हुआ, जो टाइम बीत गया, ठीक है, उसका क्या करते हैं, ये अफसोस मनाते हैं, गम मनाते हैं, अफसुर्दगी का इजहार किया है। और आगे बताना है आप लोगों को कि इसके जो है दोस्त अहबाब दुनियावी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन शायर अपने आप को बददिमाग कहते हैं, इस शेर के जरिए यह कहना चाहते हैं मैं ऐसा बददिमाग के यहाँ भी बिछड़ गया, शायर अपने आप को क्या कहते हैं बददिमाग साबित करते हुए यह साबित करना चाहते हैं कि मैं ज़माने के तकाजों के साथ नहीं चल सका, यानी ज़माने के लिहाज से मैं नहीं चल सका, इसलिए इस मामले में मैं भी बिछड़ गया, ठीक है, इस मामले में मैं भी बिछड़ गया। खलीलुर्रहमान नज़मी की इस शेर में गहरी मखजूनियत और हुज़्न व याज का गलबा है, ठीक है। फाइनली मैं इसका मॉडल पेपर सेंड कर दूंगा तो आप लोग वहां से देख लेना, बट मैं थोड़ा सा सिंपल सा वर्ड में बताने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे बनाना है। पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इस ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या, ठीक है। अब फिर बताना है उसी तरह कि मुंदरजा वाला शेर उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर जगाना चंगेज़ी के शामिल निसाब जो है गज़ल से माखूज है, यगाना चंगेज़ी के शामिल निसाब किससे माखूज है, तो गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर ने एक तारीखी वाक़िया की तरफ इशारा किया है, यह जो है किस कौन सी वाक़िया की तरफ इशारा किया है, तारीखी वाक़िया की तरफ इशारा किया है। मैं इसका जो है जो ट्रिक वाला वीडियो में पढ़ाया हूँ इसको मैं बता रखा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह आप लोग बता देना, ज़ेर निसाब शेर यगाना चंगेज़ी के शामिल निसाब गज़ल से माखूज लिया गया है, इस शेर में शायर ने एक तारीखी वाक़िया की तरफ इशारा किया है, यानी शीरी व फरहाद की इश्क मोहब्बत के वाक़िया को बड़ी खूबसूरती और सलीके के साथ बयान किया है। शायरी की इस्तलाह में इस सिनात को सिनाते तलमीह कहते हैं, इस सिनात को सिनाते क्या कहते हैं, तलमीह कहते हैं। बस इस तरह बना देना है, पूरा कंप्लीट फाइनली हो चुका है। अब आइए हम लोग यहां पे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि मुंतजा ज़ैल इक्तिबासात की तशरीह सियाक व सबाक के हवाले से कीजिए, जिसमें चार नंबर आपको मिलता है। देखेंगे, इब्तदाही से तबीयत कुछ ऐसी हुई कि खलवत और जलवत से गुरेजा रहता था, लोग लड़कपन का जमाना खेलकूद में बसर करते हैं, मगर 12-13 बरस की उम्र में मेरा यह हाल था कि किताब लेकर किसी गोशा में जो है जा बैठता और कोशिश करता है कि लोगों की नजर से ओझल रहूं, ठीक है। इसका तशरीह कैसे करना है ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपको बताना है कि पेश नजर इक्तिबास
देखिए जिस तरह हम लोग शेर का बताए ना कि शेर कौन सा गजल से लिया गया है, कौन सी गजल से लिया गया है, इसके मुसन्निफ कौन है, बस इसका भी सेम हूबहू है। फर्क इतना है कि आपका हिस्सा नज़म यानी शेर व शायरी से पहला तशरीह करना पड़ता था और इसमें आपको जो है किससे तशरीह करना है, तो हिस्सा नसर से आप लोगों को तशरीह करना रहता है। ठीक है, ये पैराग्राफ पूरा उठा के देती है और इसका आप लोगों को तशरीह करना रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं तशरीह को फाइनली 3 नंबर क्वेश्चन का और डायरेक्ट हम लोग आंसर शीट पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग आंसर शीट देखते हैं फटाफट से, ये तो अभी फर्स्ट का ही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन किधर, हाँ यहाँ देखिए पूरा तशरीह आप लोग देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का देखिए किस तरह तशरीह करना रहता है। पेशा नज़र इक्तबास मौलाना आज़ाद के शामिल निसाब पहली मकतूब से माखूज़ है यानी पहली गज़ल से लिया गया है और यह ख़त मौलाना आज़ाद ने अपने सिद्दीक मुकर्रम के जो है नामे क़लआ अहमद नगर जेल से 1942 ईस्वी में तहरीर किया। ठीक है, 1942 ईस्वी में यह क्या किया था, तहरीर किया यानी लिखा। यह इक्तबास आप बीती की नौयत की तहरीर है। यह इक्तबास क्या है, आप बीती यानी खुद अपने आप में बीती नौयत की तहरीर है जिसमें मकतूब निगार मौलाना आज़ाद ने अपने बचपन के अहवाल और ज़हनी कैफियत को बयान किया है। और क्या किया है, ज़हनी कैफियत को बयान किया है। मसलन मौलाना आज़ाद बचपन से ही मुताला के बहुत शौकीन थे, मुताला के कहते हैं बहुत शौकीन थे बचपन के, बिल्कुल आप लोग कहानी की तरह इसको याद कर लेंगे। ठीक है, या रट्टा नहीं लगाना आप लोगों को। ठीक है, मुताला के बहुत शौकीन थे बचपन के वह अय्याम जो 12-13 साल की उम्र में उम्र के होते हैं वह खेल कूद में मशगूलियत के होते हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद जलवत से दूर खलवत पसंद थे और घर के किसी गोशा में किसी कोना में बैठ कर मुताला में गर्क रहते थे। मुताला का मतलब स्टडी करना, ठीक है, पढ़ने में क्या कर रहते थे, बिल्कुल मसरूफ़ रहते थे। ठीक है, बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। देखिए यह कैफियत मौसूफ़ की ज़िंदगी का अहम तरीन पहलू है। यह कैफियत जो है मौसूफ़ यानी अपनी गुजरा हुआ ज़िंदगी का बहुत अहम तरीन पहलू है। ठीक है, ये बहुत याददाश्त जो है पहलू है। अब दूसरा पे आप लोगों को चाहे वो याद नहीं रहे तो दूसरा का जो है आंसर यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है। क्वेश्चन सीट क्वेश्चन क्या था कि मुंदरजाज़ल इक्तबास की तशरीह शायर को सबाक के हवाले से कीजिए, चाहे उसका कीजिए या फिर इसका कीजिए। तो अमेरिका के रॉकफेलर का भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि क्या पता वो आए या फिर ये आए, दोनों में से कोई भी आए आप लोग आसानी के साथ तशरीह कर सकेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछ रखा था, अमेरिका का रॉकफेलर इस खाक के नीचे रहने वाले तेल की बदौलत लातादाद दौलत का मालिक है, तो इसका तशरीह करना है, आपको बताना है कि ये कहाँ से उठाया गया है, सबसे पहले ये बताना है और इसके मुसन्निफ कौन है। तो देखिए पहले मैं बता रखा हूँ, पेश नज़र इक्तबास यानी इक्तबास बोलने तो पैराग्राफ जो है ख्वाजा हसन निज़ामी के शामिल निसाब मजमून, ख्वाजा हसन निज़ामी के शामिल निसाब मजमून यानी ख्वाजा हसन निज़ामी मजमून के मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है, ख्वाजा हसन निज़ामी है ना, तो इस तरह आप लोगों को याद रखना है। ख्वाजा हसन निज़ामी के शामिल निसाब मजमून मिट्टी का तेल से लिया गया है, माखूज़ है। इस इक्तबास में मिट्टी के तेल यानी मिट्टी का तेल बोले तो किरासिन तेल हम लोग जो आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों के इधर किरासिन तेल ही चलता है। ठीक है, किरासिन तेल की आलमी सतह की उफादियत पर रोशनी डाली गई है। इसकी किरासिन तेल की क्या अहमियत है उस पर जो है इस पैराग्राफ के जरिए क्या गया है और रोशनी डाली गई है, यानी इसको दिखाया गया कि कितना अहम है मिट्टी का तेल का। ठीक है, हालांकि अभी अहम नहीं है, इतना अहम अभी नहीं है, लेकिन जब लाइट और डिजिटल जमाना नहीं आया था, लाइट का जमाना नहीं आया था, तो उस वक्त जो है काफी कारगर रहे मिट्टी का तेल। ठीक है, काफी अहम रहे, तो आप लोग बताना है रोशनी डाली गई। चुनांचे अमेरिका के एक ताजिर कहते हैं बिजनेसमैन को, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, बिजनेसमैन को। ताजिर का नाम क्या था, बिजनेसमैन का नाम क्या था, रॉकफेलर। ये कहां के थे, अमेरिका के थे। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बनेगा, रॉकफेलर कहां के थे, तो आप लोग बताना अमेरिका के थे। ये क्या थे, तो मिट्टी का तेल के ताजिर थे यानी बिजनेसमैन थे। ठीक है, ताजिर रॉकफेलर के बारे में मजमून निगार फरमाते हैं कहते हैं कि उसने इस मिट्टी के तेल के बदौलत बेशुमार दौलत हासिल कर लिया है। यानी बेशुमार का मतलब क्या होता है, जिसका कोई गिनती ने अनगिनत दौलत, ठीक है, अनगिनत दौलत हासिल कर लिया, और यही तेल दूसरे मुल्क के हाथ में रहने की वजह से हिंदुस्तान की दौलत से गैर मुमालिक यानी गैर मुमालिक, गैर का मतलब यानी दूसरे मुमालिक, मुल्क की जमा होती है मुमालिक। ठीक है, दूसरे मुल्क के लोग मिट्टी के तेल से फायदा हासिल कर रहे हैं। यह तेल आलमगीर सतह पर तमाम मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। यह जो है आलमगीर सतह यानी पूरी दुनिया के तमाम मशीनों में यह किरासिन तेल मिट्टी का तेल जो है इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ सकते हैं यह किताब जो है कब लिखी गई है,
तब की बात है, तब ये कहना चाहते हैं, तो किताब के तौर पर ही आपको लिखना है। तो मिट्टी का तेल का इतना अहमियत था, ये आपको इसका अहमियत को बताना है, क्या क्या अहमियत था। ठीक है, देखिए आलमगीर सतह पर तमाम मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तेल की बदौलत, इसी तेल के जरिए दुनिया की मशहूर सवारियां, दुनिया की मशहूर यानी जितने भी सवारियां पहले थे तो मिट्टी का तेल से ही चला करते थे। ठीक है, मशहूर सवारियां आज जमीन पर दौड़ फिरती रहती हैं इसी तेल के बदौलत। ठीक है, चलिए फाइनली हम लोगों का ये भी कंप्लीट हो चुका। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका था कि अपने बड़े भाई को खत लिखिए, तो हम लोग खत के लिए भी ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना रखी है। आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में, एक ऑप्शन प्ले लिस्ट का मिलेगा, उसमें आपको खतूत और मजमून दोनों टाइप का जो है मिल जाएगा, खतूत और मजमून मिल जाएगा। आप लोग जाकर के वहाँ से जाकर के देख लें, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ जो है नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग फाइनली पहुँचते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, फटाफट से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। कहाँ है 5 नंबर क्वेश्चन? ऊपर में होगा शायद के, चलो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन किधर गया। हाँ चलिए 5 नंबर क्वेश्चन इस साइड में है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों को कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। सो शॉर्ट में 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट में फटाफट बना लेंगे। बंजारों को खानाबदोश के नाम से भी याद किया जाता है या फिर जाना जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन था मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए, तो मीर अनीस के एक हम असर का नाम मिर्ज़ा सलामत अली दुबेर है। ठीक है, तो उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा था आप लोगों को अली सरदार जाफरी की 2 नज़मों के उनवानात बताइए, तो आप लोगों को जवाब देना अली सरदार जाफरी के 2 नज़मों के उनवानात गुफ्तगू और मेरा सफ़र है। गुफ्तगू और क्या है? मेरा सफ़र। ये अली सरदार जाफरी के, इनके मुसन्निफ़ गुफ्तगू और मेरा सफ़र के मुसन्निफ़ अली सरदार जाफरी हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपका काम आएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, निसाब में शामिल 2 कहानियों के नाम प्रॉमिस और इब्राहिम सिक्का है। क्वेश्चन पूछ रखा था कि निसाब में शामिल 2 कहानियों के नाम लिखिए, तो निसाब में शामिल 2 कहानियों के नाम प्रॉमिस और इब्राहिम सिक्का, ये दोनों क्या है? अफसाना है। अफसाना को क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉमिस और इब्राहिम सिक्का जो है ये दोनों क्या है? अफसाना है और ये कहानी, इसको कहानी भी कहते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा था कसीदा के 2 अज्जा बताइए, यानी इसका 2 हिस्सा बताइए, इसमें क्या क्या होते हैं, 2 हिस्सा उसका बताइए। ठीक है, अब देखिए कसीदा के 2 अज्जा गुरेज, एक है आपका गुरेज और एक है हुस्न तलब है। ठीक है, ये दोनों सीधा के हिस्सा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रखा है मिर्जा गालिब के 2 हम असरों के नाम बताइए, तो आप लोग जवाब देना मिर्जा गालिब के 2 हम असरों के नाम मोमिन खां और मोमिन खां मोमिन। ठीक है, पूरा नाम है ये मोमिन खां मोमिन और शेख इब्राहिम जौक है। शेख इब्राहिम जौक, मोमिन खां मोमिन, ये दोनों जो है मिर्जा गालिब के हम असर का मतलब होता है हम उम्र का। ठीक है, एक ही साथी का यानी एक ही सलीका का। ठीक है, एक ही उम्र का। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, अबुल कलाम आज़ाद ने गुबारे खातिर के खतूत कल अहमदनगर जेल से लिखा था। आपको पूछ रखा था क्वेश्चन अबुल कलाम आज़ाद ने गुबारे खातिर के खतूत कहाँ से लिखा था, तो आप लोगों को जवाब देना है कल अहमदनगर जेल से लिखा था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रखा था कि 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रखा था कि क्वारंटेन अफसाने में किस वबा का जिक्र है, आपको जवाब देना है क्वारंटाइन अफसाने में प्लीग नाम के वबा का जिक्र है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रखा था इब्राहिम सिक्का किसका अफसाना है, जवाब देना है इब्राहिम सिक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक का अफसाना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर पूछ रखा है कि यगाना चंगेजी का असल नाम जो है क्या था, तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन याज था। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन याज यगाना चंगेजी का जो है असल नाम था। यगाना चंगेजी का असल नाम क्या था, तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास। ठीक है, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन जो है 5 नंबर या वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको 5 से 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को इसमें बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछ रखा था सबसे पहले कि शहजादे के सफ़र का हाल अपनी ज़ुबान में लिखिए, बिल्कुल कहानी की तरह अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे ना बहुत जल्द याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों को रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा हम देखते हैं। बाकी अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो मैं अलग से 5 नंबर वाला क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा, ताकि वीडियो इसमें लंबी ना हो और आप को भी थोड़ा सा जो है बोरिंग ना लगे। ठीक है, देखेंगे शामिल निसाब शहजादे के सफर का हाल, दास्तान में चीन के एक यतीम शहजादे की कहानी है। चीन के यतीम कहा शहजादे, यतीम जिसका जो है बाप ना हो, ठीक है, उसको क्या कहलाते हैं? यतीम कहलाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहलाते हैं? यतीम। शहजादे की कहानी है। शहजादा दरअसल यानी असल में जो चीन के एक बादशाह का बेटा है, चीन के यह क्या है, एक बादशाह का बेटा है। बादशाह का बेवक्त इंतकाल हो जाता है, यानी वक्त से पहले क्या हो जाता है, बादशाह का इंतकाल हो जाता है जवानी में ही, और शहजादे बेयार मददगार रह जाता है। शहजादा क्या रह जाता है? बेयार मददगार, यानी इसका मदद करने वाला कोई नहीं रहता है। उस
उसके चचा उसके बाप के हुकूमत पर कब्जा कर लेते हैं, उसके चचा क्या कर लेते हैं, उसके बाप के हुकूमत को क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और शहजादे को किसी तरह मार डालने की कोशिश करते हैं, शहजादे को किसी तरह जो है वो मार डालने की कोशिश करते हैं। मुबारक जो उसके बाप का पुराना नमक खार है, ठीक है, यानी मुबारक जो है उसके बाप का क्या था, नमक खाने वाला था, इसके यहाँ रहा करता था, इसके बाप का क्या था समझ लिए, एक टाइप का सिपाही था और नौकर चाकर वगैरह जिसमें भी आप लोग शामिल करना चाहें शामिल कर सकते हैं मुबारक को। मुबारक जो उसके बाप का एक पुराना नमक खार है वह शहजादे के मदद के लिए उठ खड़ा होता है और उससे जिन्नातों के बादशाह मलिक सादिक से मलिक सादिक के जो है पास ले जाता है और इससे शहजादे का तारुफ करवाता है, शहजादे का इससे क्या करवाता है, तारुफ करवाता है, जान पहचान करवाता है। मलिक सादिक शहजादे के मदद के लिए तैयार हो जाता है, मलिक सादिक जो है शहजादे की मदद के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन इसे भी एक माशूका की तलाश थी, इसे भी एक माशूका की तलाश थी जिसकी तस्वीर वह शहजादे को देता है और इस तलाश और उसे जो है तलाश करने के लिए कहता है। लेकिन शहजादे को जो है बार बार इस बात की ताकीद भी कराता है कि वह माशूक को देखकर खयानत न करे क्योंकि वह माशूका मलिक सादिक की अमानत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि नाबीना फकीर भी अपनी बेटी की कहानी अलग से बयान करता है। नाबीना फकीर यानी अंधा फकीर एक जो है क्या करता है, फकीर भी अपने बेटे की कहानी अलग से बयान करता है और कहता है कि मलिक का शहजादा भी मलिक का शहजादा भी जो है इसकी बेटी के हुस्न व जमाल की शोहरत सुनकर इस उस पर जो है फरेफ्ता हो गया और शादी की पेशकश कर दी। इस तरह दो तरफ से शादी की तैयारियाँ होने लगती हैं। मुख्तसर ये कि शहजादा जो है लंबी सफर करने के बाद जो है अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है, अपने मंजिल पर फाइनली वो जो है पहुंच जाता है और उसको मलिक सादिक के गमशुदा महबूबा हासिल हो जाती है और वह मलिक सादिक की ख्वाहिश भी पूरी कर देता है। मलिक सादिक की जो है ख्वाहिश भी क्या कर देता है, पूरी कर देता है। इसी तरह और भी आपका 5 क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, तो इसको अगर पूरा सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट हम लोग आते हैं तलखीस में। तलखीस जो है काफी आसानी के साथ आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तलखीस में क्या करना रहता है, थोड़ा काट छाट के थोड़ा शॉर्ट करके आप लोगों को बताना रहता है। जैसे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा है आप लोगों को, शाम को मैंने अमीर अली से इब्राहिम सिक्का का जिक्र किया कि मगरिब बाद वह मुझे अपनी शायरी सुना रहा है, इस तरह करके लिख रखा है। डायरेक्ट मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन पर लेके आता हूँ ताकि आप और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ये मॉडल सेट आप लोग एक बार देख लेना, मैं आप लोगों को जो है भेज रखा हूँ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का तलखीस कितना शॉर्ट में आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, तलखीस में आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ बड़ा है उसको छोटा करके शॉर्ट में आपको समझा करके लिख देना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग तलखीस बनाते हैं ना तो 5 नंबर आराम से उठा सकते हैं। इसमें याद करना, रटना, रट्टा लगाना कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ शॉर्ट कर देना रहता है इसमें। ठीक है, देखिए तलखीस, अफसाना निगार ने मास्टर अमीर अली को इब्राहिम सिक्का की शायरी के बारे में बताया, लेकिन अमीर अली एक आराम तलब इंसान था, शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह सिर्फ ड्यूटी करता और ट्यूशन पढ़ाने पर जो है ज़्यादा तवज्जो देते थे। धुरन गांव के लोग गर्चे तिजारत यानी बिजनेस व ज़राअत पेशा थे, खुशहाल भी थे, इसलिए इब्तदाई दर्जात व इब्तदाई जो है दीनी तालीम बच्चों को ज़रूर दिलवाते थे। ठीक है, इब्तदाई दीनी तालीम जो बच्चों को ज़रूर दिलवाते थे, बसूरत हाल मास्टर अमीर अली के मिजाज के मुताबिक थी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टाइप दे रखा है। यहाँ कैसे दे रखा है क्वेश्चन में, कि शाम को मैंने अमीर अली से इब्राहिम सिक्का का जिक्र किया कि मगरिब बाद में मुझे अपनी शायरी सुनाने आ रहा है अमीर हंस दिए। ठीक है, अमीर जो है क्या कर दिए, हंस दिए अमीर अली को, शेर व शायरी से कोई शगुफ नहीं था यानी कोई शौक नहीं था, इस तरह करके पैराग्राफ था पूरा, उसको शॉर्ट करके हम लोगों ने तलखीस में पेश कर लिया है। ठीक है, अब या फिर ऑप्शनल में आपका रहता है कि कामिल इनकलाब का जो है पूरा मरकजी ख्याल पेश कीजिए, नज़्म खैती का खुलासा लिखिए, फिर भोले मिश्र गीत का। इसका मैं आप लोगों को अलग से एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन, आप लोगों का डिमांड था कि सर 5 नंबर वाला क्वेश्चन का जो है अलग से एक अलग वीडियो बनाइएगा, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को यह क्लास ये सेट अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर लाइक करना, लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक पहुँचा देना और इसको जो है 2 से 3 बार आप लोग देख लेना, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आप लोग फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में आज का क्लास।